to Rising Suns Academy आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस पर तो रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ मैं दिव्या दे डेली जुड़ती हूँ आपके साथ डेली करंट अफेयर के सेशन में तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आइए चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं सबसे पहले रिविजन क्वेश्चन तो हमारा पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो ये जो दिवस है ये हम तेईस अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो इंटरनेशनल डॉग डे हम छब्बीस अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं अगला प्रश्न है इंडियन आइडल सीजन ट्वेल्व के बिना पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो ये उत्तराखंड के पर्यटन संस्कृति और के जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं अगर आप सभी को पता हो तो जो पवनदीप राजन है ये उत्तराखंड राज्य से ही बिलोंग करते हैं और इनका जो गाँव है गाँव को जोड़ने गाँव को जोड़ने वाली जो एक सड़क है जो तहसील से या शहर से जोड़ती है उसका नाम भी पवनदीप मार्ग के नाम मतलब रखा गया है पवनदीप जी के नाम पर रखा गया है और अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनको कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री नियुक्त किया गया है ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान दिया गया है तो ये कोपेनहेगन को पहले स्थान पर रखा गया है कोपेन हेगन पर स्थित है डेनमार्क में ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है तालिबान ने अफगानिस्तान की में जो है निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है तो ये नियुक्त हुए मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह किस के जो है अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है तो आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी जानते हैं शुरू किया गया है और जल शक्ति मंत्रालय ने इस जो समारोह के तहत कौन सा अभियान शुरू किया है सुजलम अभियान ये जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि सुजलम अभियान किस मंत्रालय की पहल है तो किसकी है जल शक्ति मंत्रालय की है ठीक है याद रखिए अगला प्रश्न है मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट है भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के जो मिशन है उसका नाम क्या दिया था तो भारत ने अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए जो मिशन लॉन्च किया था वो था ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन चलाया गया था ठीक है सो सुगाइस ये थे रिविजन क्वेश्चन और अगला प्रश्न है भारतीय अंडर 90 के कि किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है तो ये मयंक रावत को चुना गया था नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना का शुभारंभ किया है तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का शुभारंभ हाल ही में किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज का पहला प्रश्न देखेंगे पहला प्रश्न है प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है ऑप्शन से आपकी दिल्ली पटना लखनऊ या फिर बैंगलोर तो ये कौन सा शहर है जो कि सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने में पहले मामले आ गया है दुनिया में पहले मामले पर तो एक देशों में पहले स्थान पर आया है दिल्ली और दिल्ली प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वर्ग मील के जो है एक हजार आठ सौ छब्बीस सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जी हाँ दिल्ली में प्रति वर्ग मील एक हजार आठ सौ छब्बीस सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसी के साथ दिल्ली दुनिया में एक सौ पचास शहरों में पहले स्थान पर आ चुका है ठीक है तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अरविंद केजरीवाल जी है दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है तो आरबीआई जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है या फिर केंद्रीय बैंक है इसका अभी कार्यकारी निदेशक ईडी के से नियुक्त किया गया है तो ये जो नियुक्त हुए हैं ये नियुक्त हुए हैं अजय कुमार जी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में अजय कुमार को आरबीआई का जो है नियुक्त किया गया है कार्यकारी निदेशक बात कर लें आरबीआई की तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है इसकी स्थापना इस हुई थी उन्नीस में नाइनटीन में इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे सो तो गई अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है तो पहला राज्य था कर्नाटक जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया था एन ई पी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी दो हजार बीस की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसको सबसे पहले कर्नाटक ने लागू किया था और इसके बाद दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस को लागू करने का ऐलान कर दिया है मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद दूसरा शहर बन जाएगा ठीक है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में यूनेस्को की तीन प्रसिद्ध साइट है जिनके नाम पूछे जाते हैं तो वो है सांची सातूप भीम बैठिका की गुफाएं और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे तो याद रखना है आपको ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अच्छा बात करते हैं इंदौर की तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है इंदौर और इंदौर भारत का जो ऐसा शहर है जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया था लगातार चौथी बार तो इंदौर का नाम याद रखना है इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन मध्य प्रदेश अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान, तो दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तो किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है हाल ही में पंजाब राज्य की जो सरकार है तो पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए एक किसानों व मजदूरों के जो स्वजन है उनको सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे इन्होंने ये घोषणा की है और इसके साथ ही क्या होगा कि जो घर के लोग होंगे या स्वजन होंगे किसानों के उनको रोजगार मुहैया करवाया जाएगा ठीक है ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है तो अभी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें महिलाओं की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है राष्ट्रपति जो है भारत के रामनाथ कोविंद जी ने सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की नियुक्ति की, की सिफारिश को मंजूरी दे दी है तो नौ जजों की जो है मंजूरी की गई है सिफारिश नौ नौ जजों की जो है नियुक्ति की जाएगी और इसमें से कुछ महिला जज भी होंगी जो होंगी वो होंगी तीन कितनी तीन महिला जजों की नियुक्ति की जाएगी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है अच्छा बात हो रही है मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन बी मन्ना एन बी रमन्ना यहाँ के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और ये फोर्टी एथ नंबर के हैं अड़तालीसवें नंबर के हैं अच्छा भारत के जो महान्यायवादी है वो कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो वो है के के वेणुगोपाल और अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तो वो है तुषार मेहता ठीक है तो तीनों नाम याद रखना है पूछे जाते हैं मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे कौन एन बी रमन्ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे के के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे तुषार मेहता ठीक है और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी तीन महिलाओं को जो है नियुक्ति की मंजूरी दी गई है अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कोविड नाइन्टीन में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन बात्सल्य नाम से एक विशेष मिशन लॉन्च किया है तो ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन बात्सल्य ये जो है ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन लॉन्च किया है इस मिशन के तहत लोगों को कई सेवाएं दी जाएंगी ठीक है महिलाओं को कई सेवाएं दी जाएंगी लगभग अठारह प्रकार के जो लाभ है योजनाओं के लाभ है वो दिए जाएंगे और इसी के तहत इस मिशन के तहत ही संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी जो योजनाएं महाराष्ट्र में चल रही है उनका फायदा दिया जाएगा महिलाओं को तो मिशन बात्सल्य शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सो so कई आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह वन का जो है सफल परीक्षण कर लिया है ये जो है ये जो रॉकेट है सिस्टम है ये है पाकिस्तान का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह वन का सफल परीक्षण किया गया है ये जो है रॉकेट सिस्टम या फिर प्रणाली ये पाकिस्तानी सेना को सटीक निशाना लगाने की जो क्षमता है प्रदान करेगी ये रॉकेट पारंपरिक आयु पहुंचाने में भी सक्षम है इसके अलावा ये हथियार प्रणाली एक किलोमीटर कि जो दूरी है तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है ठीक है तो ये कहाँ का है फतेहबंद ऑप्शन सी हो जाएगा पाकिस्तान का याद रखना है फतेह पाकिस्तान अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमो कोकल कॉन्सुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है तो ये अभियान शुरू किया गया, गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने शिशुओं के लिए न्यूमो कोकल जो कॉन्सुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान है शुरू किया है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है किस प्रख्यात तबला वादक का हाल ही में निधन हो गया है तो ये है पंडित शुभंकर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है तबला वादक थे ये तबला से संबंध रखते थे संगीत के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं पंडित शुभंकर नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ विल लाने वाला देश का कौन सा राज्य हो गया है तो राइट टू हेल्थ का जो बिल है वो अभी लाया गया है एक राज्य के द्वारा तो ये कौन सा राज्य है तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राज्य बन गया है राजस्थान ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राजस्थान की राज जो बात करें अगर राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है जयपुर जो है जनसंख्या घनत्व के आधार पर राजस्थान में पहले स्थान पर आता है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ठीक है तो याद रखना है ये सब ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल कहाँ का है राजस्थान का है आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभियान काजिंद 21 होगा तो ये जो अभियान है काजिंद 21 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच होने वाला है तो काजिंद 21 है कजाकिस्तान और भारत के बीच होता है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान ठीक है याद रखना है सैन्य अभियान जो है पूछे जाते हैं तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद ट्वेंटी अगला प्रश्न देखेंगे अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है आइए इनको भी कवर कर लेते हैं पहला प्रश्न है भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है यह सड़क किस संस्था के द्वारा बनाई गई है तो ये सड़क बी के द्वारा बनाई गई है नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के पीच क्रैको को मिला है और इन्होंने किस खेल में ये हासिल किया है तो ये साइकिलिस्ट है कौन पीच क्रे को ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और पैरालंपिक जो खेल है उनका पहला स्वर्ण पदक दिया गया है इनको ठीक है साइकिलिस्ट है पीच क्रेको नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान की खिताब से किसे नवाजा गया है तो ये मोहित पटेल को नवाजा गया है डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान की खिताब से अगला प्रश्न है 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाते हैं इसके अलावा 26 अगस्त को ही हम इंटरनेशनल डॉग डे भी मनाते हैं जो भी हम पढ़कर आए हैं नेक्स्ट है किस राज्य किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल के अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो रजनीकांत को अवार्ड से सम्मानित किया गया है जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का आठ वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है तो ये सॉरी अस्सी वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है और तो ये थे डॉक्टर गेल ऑम्बेड जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है अगला प्रश्न है एमबी इंडिया ने किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था इस प्रश्न का सही उत्तर था मीराबाई चानू इनको जो है एमबी इंडियन के द्वारा ओलंपिक पदक विजेता है इनको एमबी इंडियन के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया गया है एमबी एक ब्यूटी जो है प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और इसका भी ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे आज के लिए आपका प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की दो महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मधुर जो फ्लोर मैट है के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से नवाजा गया है तो ये जो दो महिलाएं हैं किस राज्य से बिलोंग करती हैं आपसे ये पूछा गया है ऑप्शन से आपके लिए बिहार पंजाब असम पाकिस्तान या फिर पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से करें अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो फॉलो करते हैं तो आपसे इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से बन जाएगा एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जल्दी से कर दे, को स्थिर्ण को स्थिर्ण को स्थिर्ण कर दे दे चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच